आरक्षण की मांग को लेकर रेखवार मांझी समाज ने राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। मांझी समाज के जिला अध्यक्ष मोंटी रेखवार ने बताया कि आज रेखवार मांझी समाज के द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, जो हमारे गरीब बच्चों का अधिकार है, हम लोग गरीब समाज के इलाज है, और हम लोग आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो हमारे समाज बलाल हो जाएगी। वैसे हम लोग बहुत ही ना हमें जमीन है, ना रहने को मकान है, और उसके बाद आरक्षण नहीं मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे। हमने शासन को ज्ञापन सौंपा है, कहा कि आरक्षण दिया जाए, हमारे समाज की तकदीर और दशा बदलेगी, हमारे समाज के शिक्षक बच्चे हैं उनको नौकरी मिलेगी, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा तो वह दिन दिन तरक्की करेंगे, और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो हमारे समाज की हालत बस से बदतर हो जाएगी। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे समाज का जीरो करना है, आरक्षण जरूरी है। जी अगर आदेश वापस नहीं होगा तो उस पर बड़ा आंदोलन होगा निश्चित रूप से। जी चलो आप बोलिए, बताइए किस संदर्भ में हम लोगों की मांगे पूरी होना चाहिए, इस सिलसिले में आए हम लोग। क्या मांगे हैं आप लोगों की? समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं मिलता अगर तो क्या? नहीं मिलता तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। हम आंदोलन पे आंदोलन करेंगे आगे, इसके बाद यदि नहीं होगा तो अब से थोड़ा यहाँ पे वर्कर है। वही मांझी समाज की महिलाओं ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दमोह से कैमरामैन हिमांशु के साथ नीलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट, SCN न्यूज़।